तो यार फाइनली भाई Realme ने अपना Realme 9 आए लॉन्च कर दिया भाई वियतनाम में। जी गाइस, जो फोन है वो लॉन्च हुआ भाई 10th ऑफ जनवरी को वियतनाम में, और ये फोन हमारे इंडिया में भी कंफर्म है कि लॉन्च बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिए यार जानना तो ये इंटरेस्टिंग बन जाता है कि भाई आखिर Realme 9 आए ये फोन गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है, और जब ये फोन हमारे इंडिया में लॉन्च होगा तो हमें क्या इसे गेमिंग के लिए कंसिडर करना भी चाहिए नहीं, क्या ये एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है गेमिंग के लिए मिड रेंज स्मार्टफोन की कंपैरिजन में। ऊपर से हम इसके जायरोस्कोप और इसके हीटिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। PUBG Mobile या फिर BGMI में आपको बाय डिफॉल्ट में क्या ग्राफिक्स सेटिंग देखने को मिलने वाली है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस पॉइंट पे ये देखने को मिल सकता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी कारण से यार हमारी आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक। बाकी चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई Realme 9 आए ये जो स्मार्टफोन होने वाला है वो एक मिड रेंज लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है, बट स्टिल इसका जो लुक एंड अपीयरेंस निकल के आता है, स्पेसिफिकेशन जो निकल के आते हैं वो काफी तगड़े निकल के आते हैं भाई। स्पेशली इसका लुक एंड अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको फील देने वाला है, इसके स्पेसिफिकेशन भी काफी हद तक जस्टिफाई देखने को मिलते हैं। बट स्टिल Realme 9 आए इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन एंड इसके फीचर्स के बारे में तो भाई लास्टली डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते भाई इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में और जान लेते कि भाई आखिर फोन एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है और क्या ये फोन आपको गेमिंग के लिए कंसिडर करना भी चाहिए नहीं। तो इसी कारण से यार हम इसमें टेस्ट करने वाले PUBG Mobile को, बेसिकली BGMI को, एंड दोनों में ही आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक्स जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में हाई। जी आ गए, इससे आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिलता है भाई स्मूथ और हाई, यानी कि आप इस फोन में मैक्सिमम 30 FPS में गेम प्ले कर पाओगे। और वही बात करते भाई इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ आपको बैलेंस में मीडियम ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, यानी कि मिनिमम ग्राफिक्स में आप मैक्सिमम 30 FPS में गेम प्ले कर पाओगे और भाई मैक्सिमम ग्राफिक्स में आप मैक्सिमम 25 FPS में गेम प्ले कर पाओगे। तो देखिए इस फोन में आपको ग्राफिक्स सेटिंग बिल्कुल भी इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलती, और भाई खास करके अभी के टाइम के लिए हमको ये उम्मीद नहीं थी कि भाई आपको इस टाइप की ग्राफिक्स देखने को मिल सकती थी Realme 9 आए में। इवन दो ये जो स्मार्टफोन होने वाला है वो एकदम ब्रांड न्यू स्मार्टफोन होने वाला है, तो भाई कम से कम यहाँ पे Realme ने कुछ बेहतर अगर प्रोसेसर डाला होता तो शायद इसमें आपको ग्राफिक्स थोड़ी और इंप्रेसिव देखने को मिल सकती थी। बट स्टिल क्या ही कर सकते हैं भाई, आपको इस फोन में बाय डिफॉल्ट में 30 FPS देखने को मिलते हैं। और 30 FPS की परफॉर्मेंस की बात करते तो भाई यूजुअली कोई भी स्मार्टफोन, इवन कोई भी लो एंड स्मार्टफोन भी 30 FPS को हैंडल करने में काफी हद तक कामयाब हो ही जाता है। तो सेम केस आपको इस फोन के साथ में भी देखने को मिलता है भाई, 30 FPS के गेम प्ले में आपको कोई भी मेजर लैग वाला इशू देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई मेजर ग्राफिक्स को लेके कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता, और ना ही कोई यहाँ पे आपको मेजर रेंडरिंग को लेके इशू देखने को मिलने वाला है। बट स्टिल बात करते भाई 30 FPS की स्टेबिलिटी के बारे में, तो भाई लिटरली इस फोन में 30 FPS की स्टेबिलिटी आपको काफी इंप्रेसिव देखने को मिलने वाली है, एंड यूजुअली 30 FPS तो मैक्सिमम फोन जो है वो बहुत ही इजीली हैंडल कर पाते हैं। तो सिमिलर केस आपको इस फोन में भी देखने को मिलता है भाई, काफी हद तक जो फोन है वो 28 से लेकर 30 FPS को मेंटेन कर पाता है भाई TDM में, कहीं भी आपको फ्रेम ड्रॉप होते हुए बिल्कुल भी दिखाई देने वाला नहीं है भाई TDM में। सिमिलर केस आपको इरा एंगल में भी देखने को मिलता है, इरा एंगल में भी ये जो फोन है वो 28 से लेकर 30 FPS बहुत ही इजीली मेंटेन कर पाते हैं, बस कभी कभी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जब आप क्लोज कॉम्बैट में फाइट लोगे तो ही उस सिनेरियो में इसके जो FPS 27 FPS तक जाएंगे, पर ओवरऑल ये जो फोन है वो 28 से लेकर 30 FPS बहुत ही इजीली मेंटेन कर पाता है भाई इरा एंगल में। तो यूजुअली देखा जाए तो भाई आपको TDM एंड इरा एंगल में कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाला है भाई 30 FPS के गेम प्ले में। लेकिन वही बात करते भाई एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में, यानी कि सैनोक के बूट कैंप के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई वहां पे होता है असली टेस्ट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहां पे इंटेंस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, और इस टाइम पे तार बड़े बड़े फोन जो वो फ्रेम की फ्लक्चुएशन कर देते हैं। तो भाई क्वेश्चन तो ये निकल के आएगा कि क्या Realme 9 आए कि ये स्मार्टफोन भी सैनोक के बूट कैम में फ्रेम की फ्लक्चुएशन करेगा या नहीं। तो देखा अगर आप इस फोन के साथ में सैनोक का बूट कैम करोगे और जब आप प्लेसिंग जंप करोगे तो उस टाइम पे तो वहां पे आपको अप टू 24-25 FPS तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा जैसे आप प्लेसिंग जंप करोगे तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पलक झपकते ही रिकवर भी होना स्टार्ट हो जाती है, और लैंड करते करते इसके जो FPS है वो लिटरली 25 से लेकर 30 के बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सपोज टू जब आप प्लान कर चुके हो और आप बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो और अगर आपको क्लोज रेंज में फाइट लेना पड़ रहा है तो भी उस इंटेंस भसड़ में Realme 9 i 4G जो स्मार्टफोन है वो आपको बिल्कुल प्रॉपर 27 से लेकर 30 FPS प्रोवाइड करके देता है। इवन आप ये कह सकते हैं भाई आपको प्रॉपर 30 FPS देखने को मिल जाएंगे भाई इवन सैनोक के बूट कैंप में। बट स्टिल जैसे कि मैंने बताया कि भाई अभी 2022 आ गया है और इस टाइम पे तो इवन हमें 10,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलते जो कि आपको 40 FPS बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करके देते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल कॉन्स्टेंट 40 FPS भी देखने को मिलते हैं। बट स्टिल अभी के टाइम के लिए भी आपको Realme 9 i 30 FPS प्रोवाइड करके देता है, हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस उसमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। बट स्टिल अभी के टाइम के लिए मुझे लगता है कि भाई कम से कम यहाँ पे मिनिमम 40 FPS तो देखने को मिलना ही चाहिए। अगर आप इस फोन में इवन 1 घंटे की भी ऊपर की गेमिंग कर लोगे तो इसका टेम्परेचर
टेम्परेचर जो है वो लिटरली 36-37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है भाई, 32 एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो हीट मैनेजमेंट काफी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। यूजुअली 30 एफपीएस के गेम प्ले में कोई भी फोन ज्यादा हीट बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन वही बात करते कि भाई आखिरी परफॉर्मेंस आपको किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे देखने को मिलने वाली है। तो गाइस बात करते भाई रियलमी 9 आई इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यार अभी आप देख सकते भाई इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.59 इंचेस का 90 हर्ट्ज के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले विद 180 हर्ट्ज सैंपलिंग रेट के साथ। तो डिस्प्ले की क्वालिटी एंड डिस्प्ले के फीचर्स काफी तगड़े निकल के आते। तो भाई डिस्प्ले के मामले में आपको Realme 9 i में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलने वाला है। 3.5 mm जैक एंड यहाँ पे आपको डुअल स्टोरेज स्पीकर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। LPDDR4X NeoFast 2.1 ROM का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बट स्टिल बात करते भाई इस फोन के मोस्ट हाइलाइटेड पार्ट के बारे में जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस इस फोन में आपको देखने को मिलता है Snapdragon की तरफ से आने वाला एकदम ब्रांड न्यू चिपसेट, जो कि भाई Snapdragon 680 चिपसेट दिया गया है। इससे आपको Snapdragon 680 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि भाई 6 nm पे बना हुआ चिपसेट है एंड डुअल 4G चिपसेट है। एंड भाई आप सभी ये सोच रहे होंगे कि भाई Snapdragon 680 चिपसेट Snapdragon का एकदम ब्रांड न्यू चिपसेट है, तो भले ये 6 सीरीज में आता हो पर परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल 7 सीरीज वाली निकल के देने वाला है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली Snapdragon 680 जो चिपसेट है उसमें आपको जो कोर्स देखने को मिलते हैं वो काफी पुराने देखने को मिलते हैं। लिटरली आपको 2 साल पहले आने वाले चिपसेट में जो कोर्स देखने को मिलते थे, यानी कि Snapdragon 662 एंड Snapdragon 665, इनमें जो आपको कोर्स देखने को मिलते थे वही सिमिलर कोर्स आपको Snapdragon 680 में भी देखने को मिलने वाले हैं। इवन भाई Snapdragon 680 चिपसेट वो Snapdragon 675 से भी कम पावरफुल चिपसेट निकल के आता है। बिल्कुल ही आपको Snapdragon 662 एंड 665 जितने आपको परफॉर्मेंस निकल के देने वाला है। एंड भाई प्रैक्टिकली मैं Snapdragon 665 को यूज करता हूँ भाई, अभी के टाइम के लिए तो बिल्कुल बेकार सा चिपसेट वो निकल के आता है। तो भाई Snapdragon 680 एंड Snapdragon 665 में बस आपको आर्किटेक्चर में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, बाकी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल नॉर्मल एंड डिसेंट ही निकल के देने वाला। भाई गेमिंग के लिए तो मैं इस फोन को आपको अभी से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसी के प्राइस सेगमेंट में आपको इससे बेटर गेमिंग फोन देखने को मिल जाएंगे भाई मार्केट में। बाकी अगर बात करते भाई इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो भाई वियतनाम में जो फोन है अभी फिलहाल के लिए एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है भाई, 4GB 64GB। हो सकता है कि जब भी फोन हमारे इंडिया में लॉन्च हो तो 6GB 128GB वाले वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है। बाकी यार बात करते भाई इसके बेस वेरिएंट के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो लिटरली इसके प्राइस के बारे में अभी तक कुछ भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो निकल के नहीं आई है, पर रूमर्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भाई ये जो फोन है वो आपको 12,000 से 13,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। तो देखिए 12,000 या फिर 13,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये फोन एकदम हाईली रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार आप सभी को पता है कि इसी के प्राइस सेगमेंट में आपको रियलमी नाइन 34G इवन यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स नोट 11S देखने को मिल जाएगा, जिनमें आपको बिल्कुल बेटर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे भाई इसके कंपैरिजन में। एंड ऊपर से भाई आपको सेल में रियलमी 8i भी देखने को मिल जाएगा भाई इसी के प्राइस सेगमेंट में। तो मैं तो आपको रियलमी 9i को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता भाई रियलमी 8i के कंपैरिजन में। रियलमी 9i डेफिनेटली डाउनग्रेड वाला स्मार्टफोन है, बट स्टिल आप सभी को ये फोन कैसा लगा, आप सभी की क्या राय है इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। आपके अकॉर्डिंग ये फोन हमारे इंडिया में कितने प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होना चाहिए मुझे ये भी कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। बाकी इस बात करते हैं भाई रियलमी 9i हमारे इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि भाई जो फोन है वो हमारे इंडिया में फरवरी की मिड या फिर मार्च की स्टार्टिंग में डेफिनेटली लॉन्च होने वाला है। बाकी अगर आपको रियलमी GT2 5G के गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको iQOO 9 Pro 5G के गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल क्लियर इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।